नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया टेक रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में वायरलेस चार्जिंग के बारे में बात करूंगा। वायरलेस चार्जिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, आप किसी भी एक स्मार्टफोन को वायरलेसली कैसे चार्ज कर पाएंगे, आपको भी ये जानना है तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करती है, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, आज से 100 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। 1902 में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने रिसर्च करके अप्रूव कर दिया था किसी भी डिवाइस को वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। उनके बाद के साइंटिस्ट ने रिसर्च से अप्रूव कर दिया और रियलिटी भी लाना स्टार्ट कर दिया था वायरलेस चार्जिंग को। फ्रेंड, आप सभी को लगता है वायरलेस चार्जिंग 3-4 साल आगे से आपको डिवाइस में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, ऐसा कोई बात नहीं है, वायरलेस चार्जिंग 15 साल आगे से आपको डिवाइस में मिलना स्टार्ट हो चुका था। अभी फिलहाल सभी डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलता था, कुछ डिवाइस में आपको देखने को मिलता था। अभी सभी फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल ही जाता है। फ्रेंड, अब चलिए बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग कैसे काम करता है। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया तो कैसे काम करता है। फ्रेंड, पहले आपको चार्जिंग पैड को अपने सॉकेट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जब चार्जिंग पैड में पावर आना स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब चार्जिंग डिवाइस जिसे आप चार्ज करना चाहते, किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते, उसे आपको चार्जिंग पैड के ऊपर रखना पड़ता है। फिर चार्जिंग डिवाइस भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंडर में आ जाता है। फिर आपका चार्जिंग डिवाइस जो स्मार्टफोन में बैक पैनल में आपको एक टाइप का कॉइल देखने को मिल जाता है, उसका मेन काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फिर आपका बैटरी में जब इलेक्ट्रिसिटी आना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो आपको दो तरीके का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है, कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको चार्जिंग पैड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग होती है, फिर जिसमें चार्जिंग पैड में आपको डिवाइस को रखना पड़ता है। जिस डिवाइस को आप चार्ज करना चाहते हैं, उसका बैक पैनल या स्पेशल कवर यूज़ करने के बाद उसे आपको चार्जिंग पैड को रख देना पड़ता है। फिर आपको चार्जिंग पैड के साथ उसका बैक पैनल को मैच करना पड़ता है। जब मैच हो जाता है, फिर आपका डिवाइस में पावर आना स्टार्ट हो जाता है आपका बैटरी में, फिर आपका डिवाइस चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल अभी यूज़ नहीं किया जाता है। इंडक्टिव बेस वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको दो टाइप का स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है, ची एंड पी एम ए। ची आपको QI के तरह देखने को मिल जाता है, जिसे ची प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें मेनली आपका कॉइल का पैटर्न में कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कुछ केस में आपको ची पी एम ए दोनों की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपका चार्जिंग पैड ची टाइप का है तो आपको ची टाइप का मोबाइल ही सपोर्ट करेगा। अगर आपका ची टाइप का मोबाइल है तो आपको ची टाइप का चार्जिंग पैड से अपने डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। इंडक्शन बेस्ड वायरलेस चार्जिंग में चार्जिंग पैड के अंदर कॉइल होता है और चार्जिंग डिवाइस के अंदर भी बैक पैनल में कॉइल होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आपका बैटरी में जब एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है, पावर आना स्टार्ट होता है, फिर आपका डिवाइस चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड, कॉइल की बात करें तो चार्जिंग पैड में तो आपका कॉइल देखने को मिल ही जाता है, लेकिन चार्जिंग डिवाइस के अंदर आपको कॉइल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको बैक पैनल के अंदर आपको कॉइल देखने को मिल जाता है, बैक पैनल के बाहर आपको देखने को मिल जाता है। आपका अगर नॉन रिव्यूएबल बैटरी रहा तो आपको बैटरी के ऊपर भी आपको कॉइल देखने को मिल जाता है। फिर आपके डिवाइस में अगर कॉइल का सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन आपका डिवाइस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आपको अलग से स्पेशल कवर परचेस करना पड़ता है, जो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है आपको, उसको आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर आपके डिवाइस को अंदर कॉइल का भी फीचर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आपको चार्जिंग पैड का कॉइल और आपका चार्जिंग डिवाइस का कॉइल जब टच में आता है, तो आपका डिवाइस में आपको एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर आपका डिवाइस में बैटरी ऐसे ही नॉर्मली चार्ज होता है। वायरलेस चार्जिंग की स्पीड की अगर बात करते हैं तो आपको आगे 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट का स्पीड देखने को मिल जाता था। नॉर्मली आपके डिवाइस को चार्ज करने के लिए डबल टाइम लग जाता था। फिलहाल आपके चार्जिंग पैड पर जितना पावर आता है, जैसे कि 100% पावर है, तो आपका चार्जिंग डिवाइस में सेम पावर ट्रांसफर नहीं होता था। 100% आने से 18% पावर ही ट्रांसफर हो पाता था। लेकिन फिलहाल अभी करंट टाइम में 30 वाट, 40 वाट, 60 वाट का वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल ही जाता है। ओप्पो का रेनो S2 जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, उसमें फिलहाल आपको 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग का फीचर्स मिल जाता है। जो फिलहाल Xiaomi का जो Mi 10 सीरीज का फुल लॉन्च हुआ है, आपको 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिल ही जाता है। फिलहाल कुछ स्मार्टफोन आपको फिलहाल लॉन्च होने वाले, जिसमें आपको 60 वाट तक का आपको वायरलेस चार्जिंग मिल ही जाता है। फिलहाल सही तरीका वायर चार्जिंग को रिप्लेस करके वायरलेस चार्जिंग को यूज़ करने का। फ्रेंड, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रेंड, फिलहाल भी ऐसा टाइप का टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको नॉर्मली आपका डिवाइस को अगर वायरलेसली चार्ज करना है, तो आपका डिवाइस को चार्जिंग पैड के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आपका डिवाइस को चार्ज कर पाएगा। लेकिन फिलहाल भी ऐसा टाइप का टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गया, जैसे कि आपके डिवाइस को अगर चार्जिंग पैड से 1 मीटर डिस्टेंस में रखते, तभी भी आपके डिवाइस को चार्ज हो पाएगा। जैसे कि फिलहाल तो अभी 1 मीटर डिस्टेंस को ही डेवलप कर लिया गया सक्सेसफुली।
प्लस शायद फ्यूचर में 10 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस वाला वायरलेस चार्जिंग को भी डेवलप कर सके, जैसे कि आपको चार्जिंग पैड को भी डिवाइस को रखना नहीं पड़ेगा, किसी भी आप सरफेस में अगर रखेंगे तो आपका डिवाइस चार्ज हो पाएगा। फिर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। आपके फ़ोन में अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो आपके भी अपने डिवाइस को वायरलेसली चार्ज करना है तो आपको अलग से बैक कवर खरीदना पड़ जाता है, स्पेशल बैक कवर जो फिलहाल बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए आपको एक टाइप का सोल्यूशन देखने को मिल जाता है मार्केट में जो फिलहाल बहुत ही सस्ता है। अब कुछ कंपनी का इलेक्ट्रिक कॉइल देखने को मिल जाता है जो फिलहाल आपको मार्केट से परचेस कर लेना है नॉर्मली। फिर इससे आपको नॉर्मल से आपको चार्जिंग पोर्ट जो आपको डिवाइस में होता है टाइप सी पोर्ट यूएसबी पोर्ट उस हिसाब से आपको परचेस करना है, फिर इसे अटैच कर लेना, फिर इसे आपको रोल करके बैक पैनल के साथ अटैच कर लेना आपको डिवाइस को, उसे आपको कॉइल टाइप का देखने को मिल जाता है। फिर नॉर्मली आपके डिवाइस के ऊपर बैक कवर को अपना अटैच कर लेना, जैसे कि बैक कवर आप यूज़ करते हैं फिर आपके डिवाइस का जैसे भी चार्जिंग पैड के ऊपर रखते हैं तो आपको डिवाइस नॉर्मली वायरलेसली चार्ज हो पाएगा, किसी भी आप डिवाइस में से ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको नॉर्मली चार्जिंग पैड आपके घर में होना चाहिए, आपको नॉर्मली तभी इसे आप यूज़ कर पाएंगे। फिर आपको इसे कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। फिर आपको वीडियो कैसा लगा, आपका डिवाइस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। फ्रेंड आप ऐसे टाइप का ट्रिक यूज़ करके अपना डिवाइस को वायरलेस चार्ज करना चाहते हैं कि नहीं वो भी मुझे कमेंट करें। फ्रेंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ऐसे टाइप का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।